Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सबसे पजामा भी वही प्यारा होता है जो सबसे घिसा हुआ सबसे पुराना हर स्टेप पे फिसलती है और जब तक आपको वो नजर ना आए वो पहन ना ले घर जाके आपको फील ही नहीं होता वो एट होम का जो फील है ना वो आपको अपने उन स्लीपर्स में और वो आपको ना मिले तो उसके पीछे लड़ाई भी हो जाती घर में किसने पहनी हुई है वो अच्छा आई थॉट कि मैं ही इतना फिनिकी इन चीजों के बारे में लेकिन हम सब होते हैं हम सब की एक जैसी आदतें होती हैं कुछ चीजों के लिए तैयार हैं इसे कि आज कुछ इल्जाम हैं आप लोगों पे आज हम ये आपके कुछ इल्जाम जो हम डिस्कस करेंगे ठीक है आपने बताना वो सही है या गलत है ठीक सो कहाँ है जी आइए आइए हम अपने इधर दोनों एक ही तरफ बैठेंगे सो कहाँ है हमारे भाई वो इल्जाम बताने के तरीके जो हमने रखे हैं सो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म या सबसे ज्यादा फीडबैक या रिस्पांस या क्वेश्चंस आमना से क्या आता मुझे क्रिटिसिज्म तो एक सवाल में तीन सवाल है अच्छा क्रिटिसिज्म भी होता है आई थिंक बाजू का क्रिटिसिज्म और कमेंट्स एक ही चीज नहीं होते नहीं कमेंट्स तो अच्छे कमेंट्स भी हो सकते हैं हां अच्छे कमेंट्स बट क्रिटिसिज्म आई थिंक अगर जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो जो कि आपके काम के रिलेटेड हो या मेरी परफॉर्मेंस वाइज हो तो आई थिंक मैं उसको पॉजिटिवली ले लेती हूं अब क्या क्रिटिसिज्म बताऊं होता है कहते हैं ना कुछ लोग कि यार आप बहुत बोल्ड ड्रेसती हैं या आप यार अब ये क्रिटिसिज्म तो मेरी समझ से बाहर है टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि आउटस्पोकन भी हूं मैं हां यही ज्यादा क्रिटिसिज्म मुझे मिलता है दैट आई एम वेरी बोल्ड I am very straightforward. And you take it. ठीक है. अब मैं हूँ मैं अपनी personality तो नहीं change कर सकती ना. Good. इल्जामों की सियासत में जाने से पहले हम एक break के लिए रुकेंगे और फिर दोबारा आपको welcome कहेंगे इस break के बाद. खुशामदीद आज यासिर मेरी मेहमान हैं आज आमना इलियास मेरी मेहमान हैं हमारी गपशप इन दोनों के साथ और आप देखेंगे और एंजॉय करेंगे मेहमान है यासिर मेरे मेहमान मैं भी सोच रहा था कि अगली फिल्म में हीरोइन आना पड़ेगा मुझे अच्छा यासिर माशाल्लाह ब्यूटीफुल जर्नी ना विजय फिर कराची से लाहौर अच्छा पहले मैं थिएटर एक्टर था हां और आंगनबाड़ी भी हमेशा ही उस पे भी विकिपीडिया पे भी गलत लिखा हुआ है कि मैंने एज वीजे स्टार्ट किया वीजे तो मैं बहुत बाद में बना था आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर व्हेन आई वाज 16 और आंगन टेढ़ा में क्या कर रहे थे आंगन टेढ़ा में मैं वो तो बहुत अरसे बाद जब मैं कराची आया फिर वीजे बना उसके बाद मैंने दोबारा थिएटर स्टार्ट किया तब अनवर साहब के साथ मैंने आंगन टेढ़ा किया था तो उसमें सलीम नासिर वाला कैरेक्टर किया था मैंने और वो काफी पसंद किया लोगों ने तो अब अपनी सारी जर्नी में से कौन सा पार्ट अभी तक सो फार थिएटर मुझे बहुत पसंद है मगर फिल्म ने मुझे बहुत प्यार दिया लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो ड्रामा मैंने अभी किया है वो लोग बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा मीडियम ही टेलीविजन है तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग उसे सही सो आपको लग रहा है कि बड़ी स्क्रीन की नस्बत छोटी स्क्रीन जो है वो ज्यादा लोग उसे मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना लोग मुझे पहचाने एक ड्रामे की वजह से जो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ अभी स्टार्ट ही है वो मतलब आधा हुआ है गुड आमना यही सवाल आपसे कि माशाल्लाह मॉडलिंग देन एक्टिंग एंड देन ये सब दोनों यार मेरा जर्नी सो फार बहुत फुलफिलिंग और अच्छा है खुश हैं आप मुतमईन हाँ जी बिल्कुल कोई अचानक सरप्राइज नहीं हुआ कोई अचानक पटरी नहीं चेंज हुई इत्तेफाक नहीं जब मुझे गुड मॉर्निंग कराची मिली थी उस वक्त ये था कि दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी क्योंकि मैंने उससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं थी तो और मैं छोटी भी थी और सबिया सुमार ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी उसमें यू नो इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग मी एंड एवरीथिंग But overall, I think in terms of modeling especially, response was great. जिस दिन से मैंने शुरू किया था सही अच्छा आप दोनों के पास है thumb up and thumb down, ठीक है कुछ इल्जाम है भाई और हम इल्जाम की सियासत खेलने वाले हैं इस वक्त जो हम सब का कौमी मशगला है बिल्कुल हम सब भी काम बड़े दिलजमी से करते हैं जौक व शौक से करते हैं पूरी लगन पूरी तनदही के साथ करते हैं और आज हम भी करेंगे ठीक है मैं एक इल्जाम लगाऊंगी इन पर वो तो अपना इल्जाम पे बताएंगे कि सही है कि गलत है आप लोगों ने भी कमेंट करना है इसी तरह से कि सही है कि नहीं सही है ठीक है सो यासिर आप पर इल्जाम है कि आप इतने मासूम हैं नहीं जितने लगते हैं एक मिनट
ग्रीन ग्रीन ज्यादा। हाँ मैं बिल्कुल इतना मासूम तो कोई भी नहीं होता जितना लगता है, जाहिर है। नहीं वाकई में जितना लगता नहीं जितना बनते हैं। नहीं बनते कहाँ पे लगते नहीं बनते नहीं जितने लगते हैं लगते अच्छा, हाँ। बनते वैसे मेरे बनता बनता तो नहीं हूँ मैं लेकिन लगता हूँ मैं। अच्छा मासूम नहीं है। माँ की दुआ है ये। अरे मासूम नहीं है तो फिर आप कौन सा लफ्ज़ आप इन करेगा कि मैं ये हूँ। I'm smart. You're smart. Very good. आमना आप पर इल्जाम है कि आप बचपन में मिट्टी खाती थी। मिट्टी है? ओ सॉरी सॉरी ओके खाती होंगी फिर अगर ये इल्जाम है तो। अच्छा नहीं सीरियसली बहुत ही वाहियात इल्जाम है। अच्छा सीरियसली मैंने बहुत मिट्टी खाई है। मैं इतनी मिट्टी खाती थी। हाँ जमीन से उठा के मैं छोटी होती थी। मेरी टीचर थी पढ़ाती थी। मेड को देके चली जाती थी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया होता था। मेड को क्या मिट्टी देके चली जाती थी? हाँ पीछे से चलाती रहना। नहीं ये गलत इल्जाम है। ऐसे कोई बचपन में बच्चे चीजें उठा के मुंह में डाल लेते हैं वो अलग बात है। पूरी पक्का जौक और शौक के साथ मुझे याद हो या मेरी अम्मी ने मुझे बताया हो कि तुम मिट्टी खाती थी? नहीं। अच्छा आप लोगों को क्या लगा था? भाई ज्यादातर लोगों ने इसमें मिला जुला रुझान तो जिन लोगों को लगा था कि मिट्टी खाती है क्या सोच थी भैया आप लोगों के जहन में? क्या सोच कि आपने ये लोग भी खाते होंगे इसीलिए आई थिंक लड़कियों को पसंद इन्हें लग रहा होगा नॉर्मल है सभी खाते हैं। हाँ नहीं बहुत सारे लोग वो होते हैं जो किसी पे कोई इल्जाम लगे जरूर कोई ना कोई बात। लेकिन ये वही बात हुई ना मैं कह रही थी किस किस्म के इल्जाम लगाते हैं लोग इसी किस्म के इल्जाम लगते हैं। अभी तो हम उस किस्म के लगा नहीं रहे जो लोग एक्चुअली लगाते हैं। तो अच्छा वो लगाए ना फिर थोड़ा स्पाइस अप करें। अच्छा वाकई में? हाँ हाँ मिट्टी में थोड़ा मिर्ची मिला दे। जब इल्जामों की बात हो रही है तो फिर खुल के हो जाए ठीक है। अच्छा यासिर आप पर इल्जाम है आपको नींद में बातें करते हैं। रात को नींद में बातें करते हैं। मैं वैसे इतनी बातें करता हूँ मैं नींद में तो सोता हूँ। मैं बिल्कुल बातें नहीं करता। आमना आपने साथ साथ कमेंट करना है आपके बड़ी हैं। मुझे नहीं पता आई थिंक नहीं करता है। हाँ नहीं मानी। अच्छा अच्छा आमना जी आप पर इल्जाम है कि आप रंग गोरा करने वाली क्रीमों की बहुत बड़ी क्लाइंट। जी बिल्कुल मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सीरियसली? नो आमना कह रही है नो। आप में से किस किस को लगा आमना के ऊपर लगाया गया इल्जाम जो है वो बिल्कुल गलत है? ज्यादातर लोगों का लगा। देखिए आमना ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है। थैंक यू कि वो यासिर आप पर इल्जाम है कि आपको अगर हीरो का कैरेक्टर ना मिले लीड कैरेक्टर ना मिले आप काम ही नहीं करते। आप कहते हैं हीरो नहीं तो कुछ नहीं। भाई ग्रीन कार्ड वाले कहां गए सारे? सबने नहीं बिल्कुल उनका वो भी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं शायद तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पहली फिल्म में मैं कहाँ हीरो था शहजाद हीरो था। हाँ। तो मैं तो काम कर रहा था मगर उसके बाद से तो मुसलसल हीरो है ना। मुसलसल क्या उसके बाद एक ही तो और फिल्म आई है तो अभी भी शान की फिल्म आ रही है अर्थ उसमें मेरा कैमियो अपीयरेंस है। सीरियसली? तो हीरो तो शान ही है। अच्छा सपोज कोई ऐसा मैं कैमियो भी कर लेता हूं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मैं क्योंकि मैंने किया हुआ है तो हमारे हमें जो जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये होता है कि आपको मीटी रोल्स चाहिए होते हैं ऐसा जिसमें कुछ कंटेंट हो कुछ करने का मौका मिले और वो जरूरी नहीं है कि हीरो के पास ही हो बल्कि टीवी में। तो मैं अभी ये जो लीड किया है हीरो इसमें भी मैंने अपने लिए जो कैरेक्टर लिखा था वो नौकर का था जो इख्तियार सिद्दीकी ने किया और बहुत जबरदस्त किया तो मैंने अपने लिए वो लिखा था। लेकिन जो फिल्म में मैंने हीरो किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये वाला करें तो मैंने किया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि टीवी में हीरो के लिए करने को कुछ नहीं है। वो या तो अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है या वो बस खड़ा रहता है या वो मोहब्बत का इजहार करता है और उसके बाद बेचारा फंस जाता है तो करने को कुछ नहीं। उसकी दो बीवियां होती हैं या उसकी दो बीवियां होती हैं और फिर भी वो मजलूम होता है? नहीं मजलूम तो औरत ही है जी। नहीं फिर भी मजलूम होता है उसने दो बीवियां रखी होती हैं और फिर भी लोग कहते आए हैं बेचारे के साथ हो बड़ी ज्यादती है। बंदा कहे कि जिसे अब आमना मेरी शक्ल देखती है जब मैं इल्जाम लगाने लगती हूँ आमना कहती है अब ये क्या कहने वाली है मुझे। सो आमना लिखे हुए इल्जाम है। अच्छा आप बाजार से खाना मंगवा कर कहती है मैंने बनाया है। ये हो सकता है देखा सीरियसली? अच्छा मैं समझ रही थी नहीं आमना के यार मैं तो बस कुछ खाना है तो बाजार से ले मैं तो नहीं बना नहीं है ये ऐसे ही अक्सर सिर्फ मैं यही नहीं करती मेरी बहन खाना बनाती है तो तब भी मैं सबको कह देती हूँ उसके पीछे कि मैंने बनाया। इसकी वजह से अपनी बहन को भी कह देती है मैंने बनाया।
इसकी वजह क्या होती है, हम सारी ख्वातीन को ये क्यों लगता है कि इसकी वजह है कि हम सब जो ख्वातीन होती है ना, वो तारीफ की भूखी होती है, हमें बस चाहिए कि कोई हमारी तारीफ कर दे किसी तरह। और वैसे भी हमें लगता है कि यार अगर मैं खाना बनाना नहीं आता तो और ये है ना कि हमारे यहाँ पे कि जो लड़की जिस लड़की को खाना बनाना आता है ना, वो तो बस सबसे यू नो शी इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट। तो आमना को आता है खाना बनाना? जी आता है, गुड। अच्छा जी यासिर, आप पर इल्जाम है कि जहाँ आपको लड़कियां नजर आए आप सब छोड़ छाड़ के उनमें बैठ जाते हैं। क्या करूं? अरे वो देखो, तुम क्या करो, दिखाओ अपने कार्ड्स, दिखाओ। यासिर मेरे ज्यादा मेल फ्रेंड्स हैं। अच्छा। और मेरे घर पे भी हर वक्त वही लोग रहते हैं। हाँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन नहीं। लेकिन आई लव गर्ल्स। अच्छा, आई लव अ गर्ल तो समझ आता है, ये आई लव गर्ल्स क्या है? हाँ। देखिए जो दिल से निकला वो बताया मैंने आपको। आमना, आप पर इल्जाम है कोई इजहार मोहब्बत करे तो आप पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ जाती हैं। मतलब उसके पीछे पड़ जाती है, मतलब छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ती। नहीं, मतलब आप उसको डांट देते हैं, मारती हूं, कूदती हूं आपके लिए। हाउ डेयर, ये जो अभी पिछला सीन चल रहा है हमारा, वो डॉक्टर ने अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने कहा हाउ डेयर यू। आई थिंक नहीं, वो डॉक्टर का भी दिल है यार। हां, सो इट्स ऑल राइट, मे बी वो दिल का ही डॉक्टर हो। और अगर किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, हां, सो आई थिंक वो फ्रेंड रिक्वेस्ट ही है, उससे मेरी। एंड अ डॉक्टर नीड्स टू नो अबाउट हिज पेशेंट, राइट? या हम लोग देखते हैं एक दूसरे को, और आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा, मतलब ये तो है दैट यू गेट कनेक्टेड विद एनीवन यू वांट व्हेयरएवर यू वांट। सो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, अगर आपने किसी से बात नहीं करनी, जस्ट फ्रेंड दैट पर्सन और रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दें, व्हाट्स द बिग डील आउट ऑफ इट। अच्छा, वैसे अगर कोई प्रपोज करे तो उसके साथ हमदर्दी करती हैं, उसको मतलब लिफ्ट कराती हैं या उसको शट अप कॉल दे देती हैं? कि डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। किस पे डिपेंड करता है और किस चीज पे डिपेंड करता है? आई थिंक ऐसा वैसे हुआ तो नहीं है अब तक, प्रपोज के, शादी के प्रपोजल के। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं, शादी के प्रपोजल तो अभी तक कोई आया नहीं है सच। क्या बात नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब किसी ने नहीं कहा अभी तक कि मैं आप पे दीवाना वार फिदा हूं, मैं मरता हूं। ये बहुत पर्सनल होता जा रहा है शो। तो ये शो, दिस शो इज मेंट टू बी पर्सनल, अभी तो इट्स इट विल बी गेटिंग मोर पर्सनल। नो आई डोंट नहीं, अभी तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी हो गया। अगर नहीं, अगर मुझे डॉक्टर साहब को भिजवाया जाएगा, डॉक्टर साहब नहीं, मुझे अगर कोई कहे कि कोई मुझे पसंद करता है, तो अगर मैं उस शख्स को पसंद नहीं करती हूँ तो मैं बड़े प्यार से उनको एक्सक्यूज कर लूंगी। अगर कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा तो फिर शायद मैं बदतमीजी करूँगी। पीछे पड़ जाए, मैं पीछे पड़ जाए की बात हो रही है ना, वो कहे नहीं 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 नहीं, आप कैसे कर सकती हैं ये, मैं मर जाऊंगा आपके प्यार में, तो आप उसे क्या कहेंगी? जाओ, मैं कहूंगी भाई मर जाओ फिर, खाओ मर के। क्योंकि I don't think so कि कोई किसी के बगैर मरता है। अरे यासिर, आप पर इल्जाम है कि आप अपने साथ जो co-stars होते हैं उनसे जेलस होते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आमना ने और मैंने काम किया है साथ, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं, पक्की बात? आमना, नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। यासिर के साथ बहुत मजा आता है काम करने को, इनफैक्ट कि वो अपना स्क्रीन टाइम भी दे देते हैं दूसरों को, इतने अच्छे। वाह, सीरियसली ऐसा हुआ था? नो नो, ही इज रियली, ही इज रियली सपोर्टिव, रियली हेल्पफुल आल्सो ही इज। क्योंकि अभी आमना और मैं एक वेब सीरीज कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, काला बिच्छू के नाम से। ओह, और उसमें काला कौन है और बिच्छू कौन है? काला तो मैं ही होंगी, बिच्छू ये काला बिच्छू। उसमें एक सिंबॉलिकली यूज कर रहे हैं हम, ये चार लोग निकले हैं एक जर्नी पे, और उन लोगों दोस्तों के बीच में जो काले बिच्छू होते हैं, जैसे जेलसी, इस तरह की जितनी बुरी चीजें दोस्तों में आ जाती हैं, हसद और ये वो, तो वो काला बिच्छू है बेसिकली, जो जर्नी के एंड पे। आई थिंक इट्स दिस होल सीरीज इज अबाउट
अबाउट फोर पीपल एंड देयर जर्नी, वो किस तरह से बेसिकली सेल्फ डिस्कवरिंग बिल्कुल है ना, बहुत मशहूर वाक्य है ना कि वो दो दोस्त गए तो वो रीच आ गया तो वो खाना खा गया, तो ये किस तरह की कहानी है जिसमें इन चारों लोगों को एक अपने 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 बारे में कुछ पता लगेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज। वैसे भी कहते हैं कि जिसके साथ वो एक वर्डिक्ट है, बहुत सारे लोग इसे हज़रत उमर के साथ रिलेट करते हैं, बहुत सारे हजूर सल्लम के साथ, कि वो शख्स गवाही देने आया उसकी, तो पूछा तुमने इसके साथ सफ़र किया, उसने कहा नहीं, तुम इसकी हमसाईगी में रहे हो, उसने कहा नहीं, तो तुमने पैसे का लेन देन करके देखा, कहा नहीं, तो कहते फिर तुम किस चीज़ की गवाही दे रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं वो बंदा कौन है। सो वी एक्चुअली गेट टू नो, आप दोनों ने ट्रैवल किसके साथ? हमने ट्रैवल पिछले दिनों किया। अच्छा, वही जो शूट पे ट्रैवल किया? हाँ जी, हाँ, वैसे नहीं ट्रैवल, वैसे नहीं ट्रैवल, सॉरी यार, मैं तुम्हारी गवाही नहीं दे सकता। मैं भी नहीं दे सकती। आमना, आप पर इल्ज़ाम है कि अगर किसी और ने आपसे ज़्यादा मशहूर डिज़ाइनर के कपड़े पहने हों तो आप बहुत जेलस होती हैं। नहीं नहीं, आमना इस तरह की नहीं। नो, दैट्स नॉट, ये मैंने बहुत सवतीन में देखा है। आई एम नॉट अ जेलस पर्सन। अच्छा, आप ऐसे भी नहीं करती कि अगर सेट पे आपने देखा है कि आप, जेलसी एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान के अंदर होता है, वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, द मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट हाउ यू कंट्रोल इट, एंड आई थिंक मैं बहुत अच्छी कंट्रोल कर लेती हूँ। सारे एक जैसे इल्जाम लिखे हुए हैं, मुझे फिल्टर करने पड़ रहे हैं कि इल्जाम ढूंढ ढूंढ के निकालूं। जो आप दो दो एक साथ पूछे, यासिर, आप पर इल्जाम था कि बचपन में आप बच्चों के लंच चोरी करके खा जाते थे। ये अब भी खा जाते हैं बच्चों के? नहीं, मेरी भांजी भी मेरे स्कूल में थी तो मैं उससे लंच मांग के खा लेती। भांजी? हाँ, आपके साथ थी वो, छोटी क्लास में थी तो मैं उसकी क्लास से जाके लंच ले आता था, और लेकिन मेरा अपना जो लंच था वो मेरे सारे दोस्त खा लेते थे। बिल्कुल सही। अच्छा आमना, आप पर इल्जाम है आप उधार लेकर भूल जाती हैं। अब इस पे क्या कहें? मन्ना, उधार लेके मैं भूल जाती हूँ? मैं इस पे हाँ बोलूँ या ना बोलूँ? आप लोगों को क्या ख्याल है? नहीं, ये गलत है, मिला जुला रुझान है, ज्यादातर लोगों का लग रहा है कि रॉन्ग। नहीं, आपको याद रहता है मैंने किसको क्या देना है क्या लेना है? ये तो बहन भाइयों की बात अपनी है, जो मेरे अपने इमीडिएट बहन भाई है ना, उनसे तो मैं पता नहीं क्या क्या लेके भूल गई हूँ, लेकिन लेकिन आई थिंक उधार नहीं, कभी भी नहीं। वो आप उन लोगों में से नहीं है जो लेते ही इस चक्कर में कि यार अगला भूल ही जाए, देने वालों में से। अरे वाह, क्या बात। अच्छा यासिर, आप अपनी हाइट को लेके बहुत कॉन्शियस हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये किसने कह दिया? नहीं नहीं नहीं, कितने लोगों ने कहा नहीं? वेरी गुड, सो हाउ कम कि आप सिंपल कॉम्प्लेक्सेस हमारे यहाँ बड़े कॉमन है, हम मेरी हाइट इतनी होनी चाहिए, मेरा बाल ऐसे होने चाहिए। एक तो मेरी हाइट नॉर्मल है, बहुत अच्छी। दूसरा ये आज मैंने जॉगर्स पहने हुए, वरना तो मैं वो दो पट्टी की चप्पल पहनता हूँ जिसकी सबसे कम, जिसमें सबसे कम होती है हाइट। हाँ, फ्लैट होती है वो। हाँ, मुझे तो कभी ये वाला कॉम्प्लेक्सेस की बात है ना, जहाँ तक कॉम्प्लेक्सेस, एक कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही स्टूपिड चीज है। बिल्कुल, प्लीज इसको अपने सिस्टम में। मैं अभी जब वो फेयरनेस क्रीम वाली बात हो रही थी तो मैं कहना चाहता था कि जो भी अल्लाह ने आपको दे दिया है ना रंग, उससे अच्छा कुछ दे ही नहीं सकता था खुदा आपको, तो उसको तो रखना, जो हाइट जो रंग दे दिया है वो बस वही बेस्ट है। यासिर, तुम छोटे तो नहीं हो यार? आप छोटे तो नहीं है? नहीं, माशाल्लाह, नॉर्मल इज टॉल, ब्यूटीफुल। इल्जाम है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, डोंट टेक इट, डोंट टेक इट। नहीं, अगर इल्जाम आ रहा है उस पे तो की फजूल बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर छोटा होता भी है, जो लोग छोटे भी हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा। वैसे कभी सोचा कभी शादी की जिंदगी में, अल्लाह करे, करनी है ना इंशाल्लाह? हां जी बिल्कुल, प्लान है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो कितनी होनी चाहिए? अगर मेरी बीवी मुझसे लंबी हुई तो मुझे खुशी होगी। आप उसके ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाएंगे कि खबरदार मेरे साथ हील पहन के ना चला कर? मुझे बताएं कितने लोग हैं जिनकी बीवियां उनसे लंबी हैं? हाँ, तो मतलब अगर आप थोड़ा डिफरेंट है तो इसमें तो अच्छी बात है, इसमें अच्छी लोग बात। तो डिफरेंट होने के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हैं। आई थिंक इट्स कूलर। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है अगर आपकी बीवी पतली लंबी हो और आपका हस्बैंड थोड़ा छोटा हो। सही, चले पतली पे एक और फीचर ऐड कर दिया, लेकिन फिर लंबी और बड़ी हुई तो तुम क्या करोगे? छुप जाऊंगा उसके पीछे। इसका मतलब है कि यासिर इत्तेफाक नहीं करते कि पतली भी होनी चाहिए? नहीं, जैसी भी होनी चाहिए, जैसी भी हो, मतलब वो तो जिससे दिमाग मिल गया वो फिर जैसा भी हो, जिससे दिमाग मिल गया उससे दिल मिलेगा। Obviously. ये जिसे दिल मिला उससे दिमाग मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, दिमाग मिलना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है, फिर वो जैसा भी दिखता हो। हाँ, फिर आपको दुनिया का सबसे प्यारा इंसान
लोग आपको आके कह रहे थे यार उसमें क्या देखा है, और आप कह रहे होते हैं मेरी नजर से लैला को जो मेरी माँ ने मुझमें देखा था। जो मेरी माँ ने क्या, हर माँ को अपना बच्चा कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो आपको भी अपनी बीवी और शौहर ऐसे ही लगते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा आप ना, आप पर इल्जाम है आप गुस्से की बेहद तेज है, लेकिन आप ठीक हो गई आमना। ये आप सब लोग जो ये हमें देख के क्या कार्ड उठाते हो? नहीं अच्छा फिर आपको कैसे पता मैं गुस्से की तेज हूँ? आप लोगों ने तो मेरा गुस्सा देखा ही नहीं है। कैसे पता चला तेज लगती है गुस्से की? कैसे पता चला? यस ये तो यार डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो गलत है ना। अच्छा लेकिन एक इंप्रेशन आता है वो आपका शायद एक थोड़ा सा ना कूल एटीट्यूड वो भी, हाँ वो भी यही देता है ना एक्सपेक्ट बंदा जो वैसे तो ऐसे ही जज करेंगे और वो तुम्हारे साथ टाइम गुजार रहे हैं। हाँ। ये बताने के लिए अरे तो गुस्से की तेज हो? जी मैं गुस्से की तेज हूँ। सीरियसली मैं वहां बैठ के बात करूं? नहीं नहीं इतनी तेज नहीं है भाई, इतनी तेज नहीं, छुरी नहीं हूं, फिर नहीं जाऊंगी। सही, एक दफा आपने और पूछा फिर आप देखिए कहेगी नहीं हूं ना मैं गुस्से की तेज, नहीं हूं मैं गुस्से की तेज। अच्छा यासिर आपको बचपन से ही हीरो बनने का जुनून है? मुझे बचपन से एक्टर बनने का जुनून है, एक्टर बनने का, और वो मैं बन गया हूँ। अब उसे आप हीरो कहें या विलन कहें, क्योंकि आगे मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर भी करूंगा बहुत ही जल्द इंशाल्लाह, तो वो तो हीरो नहीं होगा, ये हीरो वीरो कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। आमना आप पर इल्जाम है आप बहुत डाइट कॉन्शियस, हर वक्त डाइटिंग करती रहती हैं। ये तो दो प्याले पाए के खा जाए, मैं तो ये टेबल खा जाऊं, ये कैसे हो सकता है? डोनट लग रहा है। दो साल कंसेक्यूटिव नॉमिनेट होती रही फिर मॉडल ऑफ द ईयर भी बने, तो लोग तो यही समझते हैं कि वो तो शायद हवा पे ही। नहीं मैं डाइट नहीं करती। आमना बहुत मेरे ख्याल में मैंने सेट पे जिस तरह देखा है वैसा जानता हूँ, आमना बहुत तेज है, हर चीज बहुत तेजी से करती है, मेरे ख्याल में उसमें इसकी एनर्जी और वो सब फैट फैट लूज हो जाता है। मैं बहुत बिल्कुल लेजी नहीं हूँ, मैं हर वक्त घूमती फिरती हूँ। वाकई सब खाती हैं? पराठा खिलाऊं आपको? खिलाएं, बड़े दिन हो गए लाहौर आए हुए, किसी ने आज पराठा खिलाएंगे नहीं, आज हम लोग आपके हाथों से खाने वाले हैं। इसलिए कि ब्रेक के बाद हम आपको हम चाहेंगे कि सुबह नाश्ता इकट्ठे करें हम लोग, तो पराठे बनाएं और साथ अंडे बनाएं और साथ चाय बनाएं, और हम देखें कि कौन ज़्यादा सुगढ़ है, कौन ज़्यादा मज़े के पराठे बनाता है और कौन मज़े ले लेके खाता है, और बाकी की गपशप जो है वो हम अपने ब्रेकफास्ट के साथ करेंगे। आमना जो है साथ साथ ऐसे देखने नहीं, के नहीं। आमना की लुक है, आमना कह रही है कि यार यहाँ के पराठे बनाने हैं। आमना की लुक है सीरियसली एक्चुअली वाकई में। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिल रहे हैं। खुश आमदीद, दो इंतहाई टैलेंटेड आज मेरे मेहमान हैं यासिर और आमना। अगर आपको वोट करना पड़े और आप इन दोनों में से कोई एक जो है उसके लिए आप वोट कर सकते हो, तो किसके लिए वोट करेंगे? पहले वो लोग हाथ खड़ा करें जो यासिर के लिए वोट करेंगे। ओके यासिर के उम्मीदवार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आमना के लिए कितने लोग वोट करेंगे? बस या क्यों लड़के बुलाने चाहिए आपको ऑडियंस में? नहीं आमना मैंने हाथ उठाया यार। वो ये कैमरे वाले भी उठाना चाह रहे थे पर हिल जाता क्या। ऐसा करते हैं अब इनको भी साथ शामिल करते हैं, कितने लोग हैं जो आमना के लिए वोट करेंगे? हमारे सारे सारा कैमरा स्टाफ जो है आमना के लिए वोट करा, लेकिन गुड यार बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई लोगों की लड़कियों में। नहीं नहीं ये लड़की ने अब तक नहीं उठाया हाथ, मैं सिर्फ इसी को देख रहा हूँ। और कुछ तो ऐसी है जिन्होंने हम दोनों के लिए वोट नहीं किया। उस लड़की उन सबको फ्रोजन शोल्डर है, उनको डॉक्टर ने मना किया हाथ नहीं ऊपर उठाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा अब हम तो करने वाले हैं, आप दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं, फिल्म परफॉर्म की हैं, गाना तो हम कुछ गाने पाकिस्तानी खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले करेंगे, वो एक जुमला उसका चलेगा सही है। और उसके बाद हमें बजर बजाएगा, जो बजर बजाएगा वो उस गाने को पूरा करेगा सही है। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ खेल सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आई वुड लव टू होस्ट। नहीं नहीं खेले खेले मैं खेलूँ साहब, ताकि पता चल जाए कि मुझे भी कख नहीं आता। चलिए शुरू करें जी, पहला गाना
क्या नहीं ओ हो आँख जलाने वाले दिल को चुराने वाले। अच्छा गाने को एक्ट भी करना है आप? मैंने भी गाया यार ऐसे। आप लोग फिल्म स्टार हैं, उस गाने को उस एक दफा अपना बना रहे हैं आप लोग, हमें पता चलेगा यार वो फिल्म चल रही है कौन सी, सात दिन में मोहब्बत, सात दिन मोहब्बत इन, सात दिन मोहब्बत इन, मोहब्बत इन जी। ये कौन सा होटल है, मैं भी जा रहा हूँ, कौन सी जगह, आई वुड आल्सो लाइक टू चेक इन, प्लीज डू कम टू कराची 146 आ जाए, सात दिन मोहब्बत इन वहीं चल रही है, सात दिन मोहब्बत इन। अच्छा गुड, नई अपकमिंग फिल्म है जी जिसमें हम आमना को भी देखने वाले हैं जी, तो उसमें आप सात दिन के लिए सिर्फ सिर्फ सात दिन ही स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इट्स अबाउट a period of 7 days yeah and a struggle of a boy to find a girl so it's about that yeah sahi aur वैसे भी वो एक बड़े मशहूर है मैं 7 दिन में अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी actually I think her universe aur her cheez 7 din se connected hai na hafte mein 7 din you know hamara religiously bhi 7 number ka bahut zyada hota hai I think wo 7 ek chalta aa raha hai astrology mein bhi 7 number bahut zyada hota hai bilkul I think it's about that astrology good mujhe lagta hai dono astrologer hain andar andar अच्छा चलो प्ले करेंगे हम मेरे मकर हंस के एक पल चकड़ा की नजर रख लेना उन मेरे मकड़ा के एक पल दे चकड़ा की नजर रख लेना चकना चन मेरे मकड़ा वो चन मेरे मकड़ा गाय मेरे मखना आगे अच्छा गा लेती हैं आगे भी आमना बहुत अच्छा गा रही हैं आमना के लिए बेई आमना के सर में आइए यहाँ तक तो सभी को आता है इससे आगे पता चले किसको आता है और किसको नहीं आता चले जी नेक्स्ट सॉन्ग हमारा आँख में एक नशा है गाल पे स्केट का नशा है चन्नो की आँख में एक नशा है गाल पे स्केट नशा है इस पे फिर उसकी अदा है ये दिल ले लिया है ये दिल बोले नेक्स्ट सॉन्ग बाजी क्या बात है मैंने बजाया था रियली नाइस मुझे पता है जी दिल भर के मैं तुमसे ये कैसे कहूं मैं कैसे कहूं कहती है मेरी नजर शुक्रिया कहती है मेरी नजर शुक्रिया ओए होए कितना बुरा लग रहा है मेरे मुंह से क्यों इतना अच्छा लग रहा है किसने गाया नहीं वो रूना लाल जी ने ज्यादा अच्छा गाया अच्छा लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपको 19-20 का ही फर्क है आपको पुराने गानों का भी पता है मुझे पुराने गानों का ज्यादा पता है विजय रहे हैं ना अच्छा मैंने ना विजय रह के कभी भी विजय का मतलब होता है वीडियो जॉकी लेकिन मैंने कभी वीडियोस नहीं प्ले की मेरे शो ज्यादा सोशल इश्यूज पे होते थे सीरियसली हाँ अच्छा मैं हमेशा ये सोचती रही कि आपने जरूर क्यों ना कोई म्यूजिकल काम भी किया होगा बिल्कुल भी नहीं वीडियोस बिल्कुल भी प्ले नहीं की अच्छा गुड और मैं अपने नाम से विजय लगाता भी नहीं था जब तक विजय था अच्छा क्या लगाते थे बस यासिर हुसैन लिखा था स्क्रीन पर कहता था विजय मत लिखे उसके साथ मैं वीडियो चलाता ही नहीं ठीक है चलिए जी नेक्स्ट सॉन्ग कौन देखा मैंने आप गाएंगे जो आपको लगा गाएं आप गाएंगे आप गाएंगे ये वही गाना पता नहीं सुनने ही नहीं दिया हमारे को जादी जैगम तुम क्यों चीटिंग करवा रहे हो कौन चीटिंग नहीं 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 जैगम कैमरामैन नहीं ये आपको बता रहा है नहीं नहीं मुझे तो नहीं बता रहा चले फिर आप गाएं बताया आपने मुझे दोबारा बजाएं दोबारा म्यूजिक सुहानी में
अच्छा ऐसे लग रहा है जैसे मैंने फिल्म की भी है, इन दोनों ने तो की नहीं हुई ना। मैंने तो दो की दो मैंने बताए, इधर खड़े होंगे। जो भी गाना चलेगा ना, अब जो भी गाना चलेगा उसके हीरोइन आमना होंगी और उसके हीरो यासर होंगे, भुजो जो भी। अच्छा तो हाँ उसको एक्ट आउट भी करना है थोड़ा सा, हमें पता चले कि वो। अच्छा नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा? प्यार विच खो गई सब तो सोना हाय वे मन मोड़िया। नेक्स्ट सॉन्ग। अच्छा वैसे आमना को शौक है म्यूजिक का, पुराने गानों का? जी म्यूजिक सुनती हूँ मैं। हिप हॉप ज्यादा सुनती हैं ज्यादा? नहीं मैं हर तरह का म्यूजिक सुनती हूँ, हर तरह के म्यूजिक एक्सेप्ट आई थिंक रॉक। सैड सॉन्ग्स कौन ज्यादा सुनती है? कौन कौन हार्ड रॉक, कौन दुखी गानों का बड़ा शौकीन है? जिस आई एंजॉय इट, यू एंजॉय इट। मुकेश की सारी इनके पास है वाकई में। अच्छा सीरियसली ये तो दिल टूटने के बाद का मामला होता है ना, खुलता किसी पे क्यों कर मेरे दिल मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। अगर कोई गाना गा रहा हो तो बंदा पकड़ा जाता है कि यार बेटे क्या बात है। अच्छा हाँ तो बता दो भी क्या बात है। कुछ नहीं मेरी हॉबी है पुराने गाने सुनना, पुराने गाने नहीं सैड सॉन्ग्स। दुखी गाने, व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग? सैड सॉन्ग्स या नो, एक्चुअली माय फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग इज क्या यही प्यार है, द लव सॉन्ग। हमें आता ही नहीं है गाना, में थोड़ा सा गुनगुना के याद दिलाएं। यार मैं बहुत बुरा हूं। नहीं तो कोई बात नहीं यार, हम कौन सिंगर्स हैं। चलो क्या यही प्यार है, इससे मैं सिंग नहीं कर पाऊंगी। क्या यही प्यार है, हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है, बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है, कैसे कैसे भूलूंगी, तू याद हमेशा आएगा, तेरे जाने से जीना मुश्किल हो जाएगा, अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। तुम तो वही जो मैंने बर्बाद किया। क्या बात है, क्या बात। आखिरी एक गाने का हम गेस करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे इन दोनों में से किसके लिए आपकी वोटिंग चाहिए, किसकी इलेक्शन रेटिंग जो है वो बेहतर हुई है, ठीक है। कौन इंतखाबात में अब अपने से पहले से ज्यादा रेटिंग लेने में कामयाब हुआ है। जनाब आखिरी गाना हमारे आज के इस सेगमेंट का। मुझे लग रहा है यासिर का ये फेवरेट गाना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो मुझे लगा पहले। पहले आप शुरू करेंगे फिर वो शुरू प्ले करेंगे। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। कल शब देखा मैंने कल शब पर शब देखा मैंने चांद झरोके में,
उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा वाह, क्या बात है। अब बताइए हमारे यासिर के लिए कितने वोट्स हैं अभी तक? यासिर की वोटिंग क्या है भाई? दो। और आमना के लिए? क्या बात है। मुझे लगता है जब तक हम अपना प्रोग्राम ये वाला ये उठा लीजिएगा सामने से ताकि हम आगे चल सके, जब तक हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे हमारे सारे लोग जो है वो यहाँ पे आमना के यासिर, अब वैसे तो यू आर माशाल्लाह वेरी बोल्ड एंड एनर्जेटिक उसमें, लेकिन अभी जब आप परफॉर्म कर रहे हो तब थोड़ा शर्माते हैं। हां मुझे शर्म आती है बहुत। किससे? लोगों से। लोगों से यासिर जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूं तब मुझे कोई मसला नहीं। तो ये भी तो एक्टिंग ही कर रहे हैं। ये नहीं, ये यासिर को बिल्कुल पता नहीं शर्म आती, ही इज वेरी स्पोंटेनियस बट ही वाज शाय, ही वाज शाय अभी थोड़ा। ही इज नॉट शाय, आई थिंक ही इज एक्टिंग इंटिमिडेट हो रहा था समझे आज। हां क्या हुआ, आई एम जोकिंग। मुझे मैं हूँ थोड़ा सा शाय। हाँ हूँ। अच्छा, बचपन से। तो ये शाय टू कॉन्फिडेंट एंड सुपर कॉन्फिडेंट बंदे का जो शिफ्ट है, देखिए आप लोगों ने जब मुझे होस्टिंग करते देखा अवार्ड्स में या फिल्म में तो वो सब बहुत वेल रिहर्स्ड होता है। थिएटर में भी हम लोग बहुत रिहर्सल करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ इतना वेल रिहर्स नहीं होता। फिर जब कैमरा ऑन होता है तो ये लाइट जो कैमरे की होती है बड़े बड़ों की फूंक निकाल देती है और सुबह सुबह उठ के मैं वैसे ही बड़ा ऑफ रहता हूँ। सही, चलिए अब हम नाश्ता करते हैं ना तो सब ऑन हो जाएंगे जी, ग्लूकोज लेवल सब ठीक हो जाएंगे। सो लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारी फिर आपसे मुलाकात। कहती मैं पका लेती हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए कि आज मैं यासिर के और आमना के हाथ से पराठे और चाय और ऑमलेट का नाश्ता करने वाली हूँ भाई। इतना जबरदस्त सा हीरो जो है वो आज हमारे लिए पराठे बनाएगा। और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। सीरियसली वाकई? Yes, आज मैं इसी तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। गुड, जीत के दिखाओ तुम। आप जीत के दिखाओ। सो मुकाबला ओके। अच्छा, मेरी कौन सी जगह? जो जो आप अपने लिए दोनों काउंटर्स एक जैसे। मैं यहां आ जाता हूं। अच्छा वाह ठीक है चलिए शुरू करें। टाइम पराठे बनाने हैं लेकिन उसको हम बेलेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? और बेलना भाई पटरा का है। हां वो दूसरा पटरा भी दो, चकला दो साथ उसमें जिसपे जिसके ऊपर बेलते हैं नीचे वाला गोल वाला वो है। वैसे आप इस पे भी आमना कर सकती हैं। चाय भी बनानी है क्या? चाय भी बनानी है, अंडा भी बनाना है, तीनों चीजें बैक वक्त जो सबसे अच्छी सबसे जल्दी तैयार करेगा वो विनर होगा। एक बॉल और दे भी इस तरह का, ठीक है? देखिए अच्छी है जल्दी बता दे, अच्छी बनानी तो टाइम लगेगा, जल्दी बनाना है तो मैं बना दूंगी। नहीं अच्छी और जल्दी अच्छी चाहिए, जल्दी चाहिए, अच्छी चाहिए ना, मगर टाइम भी है बीच में, ठीक है। पराठा मेरा जरा बुरा होगा लेकिन अब मत बोले आप तो बहुत अच्छे कुक है ना। आपने तो चैलेंज किया है कि मुझे तो सब कुछ बनाना आता है। बिल्कुल आता है यार, इसमें ये है आपके लिए वो कहां गया मेरा भाई? तो यार कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे हम। आप इस जगह को समझें कि यहाँ पे आपने रोटी के लिए बेलना है, ठीक है? पराठा बनाना है, पराठा। हाँ हाँ फिक्र है। और रोटी। अच्छा ये सारा कुछ किस वक्त किया यासिर? यार चीजें ज्यादा हैं भाई। ये सब कुछ किस वक्त किया? मतलब वीजे और मैं असल में कुछ अरसे कराची में काफी अरसे बल्कि अकेला रहा बैचलर, तो हाँ तो वहाँ पर मुझे ये चीजें मैंने सीख ली। इसके लिए पंजाबी का मुहावरा है जो मेरे जहन में आया। कौन गेस करेगा कि जब यासिर ने कहा है कि मैं कराची में रहा बैचलर तो मेरे जहन में एक पंजाबी का मुहावरा आया। क्या वो क्या है? पगदे पराठे वाला। हाँ लेकिन वो गेस कौन करेगा, कौन बोलेगा? माइक किसके पास है? सर पे पटे तो आ जाती है। जब सर पे पड़े तो सब कुछ आ जाता। नहीं हमारे जहन में ये नहीं आया, पंजाबी का एक मुहावरा है। हाँ। हाँ। और यासिर को आता है? मुझे आधा आता है। वो क्या है? आधा क्या है? वो है आमना साथ साथ कर रही है। हाँ, आमना चुप करके काम कर रही है। हेल्प योरसेल्फ।
थैंक यू। अच्छा वो है रन्ना वाले ने ये चीटिंग हो रही है भाई, चीनी वाली चाय भी आनी डाली थी, ये आपने बनाना है और हमारी, मैं भी खाऊंगी और हमारी सामने बड़ी प्यारी सी खातून बैठी है, आप मेरे घर में काम शाम करती है ना, हम बच के तेल गरम है ध्यान के साथ। अच्छा वाह, करी ना करें आप, चाय मेरी बहुत अच्छी नहीं होगी, चाय नहीं अच्छी होगी, नहीं क्यों, चाय तो सब बनाना सबसे आसान, ऑमलेट मेरा बेहतरीन होगा, ऑमलेट बेहतरीन होगा, सही यार ये मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको उठा लेते हैं अभी, आपको दूध जो है शेयर करना पड़ेगा, मैं आपको कप में डाल के दूध दे देती हूँ। सो हमने दूध कर लिया है शेयर, अमना बड़ा जबरदस्त सा ऑमलेट यहाँ पे बना रही हैं और उसके लिए तैयारी कर रही हैं, और यहाँ पे शेफ यासिर जो हैं वो भी बड़ी तेजी के साथ अच्छा यासिर साथ साथ आमना पे नजर रखे हुए, आमना क्या कर रही है, कहाँ तक पहुंची है आमना की तैयारी, क्या आमना जीत सकेगी, ये भी डाल दूं या आप अपनी मर्जी से डाल देंगे, हस्बे तौफीक, हस्बे तौफीक नहीं, नहीं हस्बे जायका तौफीक नहीं नहीं, हम आपके आपके जायके के मुताबिक चीनी पिएंगे, शुगर नहीं है ना किसी को यहाँ पे, नहीं तो आप उतनी डालिए जितनी आपके ख्याल में चाहिए, नॉर्मल, मैं तो ज्यादा पीती हूं चीनी। अच्छा इसके ऊपर लाइंस क्या चलेंगी, कौन जीतेगा आज, क्या आमना यासिर से पहले बना सकेगी पराठे, चाय में थोड़ी स्ट्रांग पीता हूं, चाय स्ट्रांग पीता हूं, सही सो चीनी भी बनाना ना, जितना जितना आपके ऊपर है कि आप कितने वो पराठे का ठीक है, मैं जरा ओवर एफिशिएंट हो रही थी लाइक ऑलवेज, लेकिन आज तो अमना जरा तेज जा रही है यासिर, अच्छा वाकई लग तो नहीं रहा, लग नहीं रहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अच्छा तो निकाल लें हम इसमें, नहीं नहीं अभी और जलाना है यार, आप तो मिली नहीं अमना के साथ, जला कहाँ है वो, मैं अकेली थोड़ी, इससे ज्यादा तो कुकिंग चैनल पे खवातीन जला देती हैं, आप देख ली मैं कितना प्यारा पराठा, और फिर कहती हैं जरा ज्यादा डार्क ब्राउन हो गया, हां जी बगैर चिमटे के जी, वाह भाई वाह, और यासिर जो हैं वो कुकिंग चैनल भी देखते हैं, देखना पड़ता है जी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, क्या बात है, पराठा तैयार हो गया और चावलों के चमचे से, आमना तो मुफ्त में क्रेडिट लिए जा रही हो, so, आमदनी भी आमना बड़ी ठीक जा रही है, जय मुफ्त क्रेडिट हो गया, पराठा तैयार हो गया, हो गया बस हो गया, थोड़ा कच्चा ना होना यार, पक गया है ना, अरे दोनों जो है वो पराठे को ज्यादा, आई थिंक पक गया, पक गया, क्या पक गया, पराठा डन मेरा भी, और दीजिएगा अब ये जी ऑमलेट आना है, ठीक है, और 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 आपने भी ऑमलेट अपना जो है वो निकालना है, सर्व करना है, काम कैसे कर सकते हैं, ये कम नहीं होता, होता है, ओह हो इसको जरा पकने देते हैं ना थोड़ी देर, हो गया, मैंने दफ्तर जाना है, बहुत देर हो गई है, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ, आपने के दफ्तर जाना था, आपको प्रोफेशनल लोग रखने चाहिए थे आप हमसे बनवा रही हैं, मैं तो यार इससे बड़ी यार क्या बात है कि यासिर हुसैन के हाथ का नाश्ता हो, मतलब ये तो मेरी जिंदगी के यादगार तरीन नाश्तों में से एक होगा ना, और आमना के हाथ का नाश्ता हो, क्या बात है, मैं यासिर के नाश्ते को सिर्फ देखूंगी करूंगी आमना वाला नहीं नहीं हम तो हम हमारी पार्टी पता है कौन सी है यासिर, जेड़ा जीते हो दे नाल, आपको कैसे पता पहले से कि वो जीत जाएगी, मेरी आंखें नहीं, मैं देख रही थी, मैं ये चाय में दूध नहीं डालेगा, डालेगा ऊपर से, चाय में दूध ऊपर से डालेगा, हाँ ना, और ऐसे ही बस कैसे मोड़ू, सही 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 सही, वेरी गुड, बस डन, और क्या, बस ये आप, मेरा हाथ जल गया है, आप ये कराची वाली चाय बनाते हैं, ओह माय गॉड, लेकर आओ यार कोई चीज लगाने वाली गरम, और यासिर ने ये मुकाबला अपनी तेजी के साथ, हाँ
देखिए मैं परफेक्शन पे बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हूँ और मैं जीतने पे बिलीव करता हूँ। अच्छा अमना हम कर लें, डन हो गया हो गया हो गया, वाह भाई वाह, इस मामले में तो यासे जीत गए है ना। तो आइए आप आइए। क्यों अमना, आपने टेस्ट करना है यासे, तुमने इतनी जल्दी मुझे एक प्लेट, आपने उनको बुलाया जो पहले ही अमना के साथ है। इस प्लेट में आप निकालेंगी और हम निकाल के देखेंगे। अच्छा आप भी अपनी साइड से अगर किसी को जज थर्ड एम्पायर, मेरी साइड से कौन आएगा, यासिर की तरफ से कौन आएगा? हाँ यार, जो यासिर का सबसे बड़ा सपोर्टर है वो आ जाए। नहीं एक ही बंदा टेस्ट करे ना, उसको फिर पता लगेगा कि किसी बंदा आमना। क्या हो गया, हेल्प चाहिए? नहीं थैंक यू। बस भी करो, इधर आएंगे इधर आएंगे। चले जी आप हमारे ये दोनों नाश्ते जो हैं ये तैयार हैं बिल्कुल। अरे इतने लोग नाश्ता करना चाह रहे हैं यासिर, देख लें आपकी फैन फॉलोइंग ही बड़ी है। अब हम सिर्फ दो लोगों को नाश्ता कराएंगे, एक इनको, आप लोग बैठे, हाँ आप दोनों बैठे वहाँ पे, आप दोनों टेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करें। यासिर आपने भी अपना और उनका आमना का टेस्ट करना है कि किसने क्या बनाया। मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे अभी और शोज पे भी जाना है। ये मिक्स हो जाएगी यार। नहीं ठीक है एक ही से सिप ले लेंगे वो, चलिए कोई नहीं होता। कौन अच्छा ठंडी करना चाह रही हैं आप, कर ले। नहीं मैं चाह रही थी कि सब लोग टेस्ट कर लें उसको, ये ज्यादा मजे का, ये ज्यादा मजे का। भाई बात हुई थी बनाने की, अब वो मजे का क्या मतलब? अरे नहीं नहीं मजे का, अरे आमना ने तो नक्शा बनाया है। नहीं उन्होंने मजे का भी बनाया और पूरा गोल बनाया है। और बताएं कि अच्छा चलो मैं भी चखूंगी, ठीक है यासिर आप भी चखेंगे, यासिर आपको भी चखना चाहिए, यासिर आपको भी चखना चाहिए और अमना आपको भी चखना चाहिए, आप तो पराठे शौक से खाते हैं। आ जाओ यार। हां क्यों नहीं भाई, गुड। अब यासिर का फुली सपोर्ट करती हूँ। तुम्हारा भी खाऊंगी मैं, दिल है मेरा इतना बड़ा। अब मैं बन जाऊंगा गॉर्डन रैमसे, नॉट बैड। नहीं कोई जरूरत नहीं, उसके देखे हैं शोस? नहीं लेकिन आपके आपके देखे हैं। ये तो तेल से भरा हुआ है यार। हाँ ये देख, तुमने क्या कहा था बेक करना है इसे? ऑमलेट को कोई बेक करता है? तेल नहीं बनता ऑमलेट। अच्छा जी क्या? देखा पागल हो गई वो काके। यार देखिए मेरे जो स्नैपचैट फैंस है ना उनसे पूछे मैं कितने अच्छे खाने बनाता हूं। नहीं मैं वोट करूंगी यार यासिर के लिए। मुझे पता है वो बुरा मना जाएगा, पोस्ट ना उसका दिल नहीं। आई नो इट्स ओके। यासिर का उसमें ना उसे बड़ा अच्छा बैलेंस। आपने यासिर का खाया? एग ऑमलेट, ऑमलेट ऑयल है। अच्छा चाय को चखना है अब, गर्म बहुत है, ठंडी होगी फिर। मैं ठंडी कर देती हूँ आपको, बहुत बढ़ते बहुत इससे। यासिर ऐसी चाय पीते हो? बहुत अच्छी चाय है। तो अगर लाजवाब, अगर मजा आ गया किसने, अगर 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 बीवी ऐसी चाय बना के देगी चलेगी? फेंक देंगे बीवी को या चाय को? नहीं यार बहुत अच्छी चाय है। नहीं नहीं आमना का सवाल बहुत अच्छा है, अगर ऐसी चाय बीवी बना के दे तो आपने कहा फेंक देंगे? डिपेंड करता है बीवी कौन है यार। नहीं यार वेरी बैड, वेरी बैड यार, तो मेरा बर्बाद करके रहोगी, आपकी शादी नहीं होने देंगे। लोग जो है ना जहाँ रिश्ता जाएगा वहाँ लोग कहेंगे वो यासिर का जरा वो वाला। नहीं मैं कहती हूँ बीवी जैसी भी यासिर ने क्या आपके आगे जो भी पका के रखे चुपचाप खा ले। एक औरत के हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारीफ जरूर करें, तारीफ जरूर करें, इसलिए कि आफियत इसी में है। और क्योंकि बेटा वही घर ही आना है वापस। अगर आपने रहना है तो फिर इसी में है, और अगर आपने कुछ और सोचा हुआ है तो फिर जो दिल में आए वो करें। अच्छा मैं ज्यादा सोचता हूं वैसे। आप ज्यादा सोचते हैं? आप ज्यादा ओवरथिंकर? और आप इंपल्सिव हो या सोच समझ के फैसले करने वाले लोगों में से? मैं तो बहुत इंपल्सिव है। गुड सर, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे पास है कुछ और बड़ी जबरदस्त सी एक्टिविटीज हमारे इन दोनों स्टार्स के साथ। सो एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। yeah!
خوش آمدید جناب. ایک ہمارا ہیرو ہے آج ہمارے ساتھ, ایک ہماری ہیروئن ہے. ہم مل رہے ہیں یاسر حسین سے اور آمنہ الیاس سے, اور دونوں کو ہم بیسٹ وشز کہیں گے. آمنہ کی آنے والی محبت سات دن محبت, سات دن محبت ان, اور یاسر آپ کا پروجیکٹ جو چل رہا ہے اس کے لیے تو آپ کو بیسٹ آف لک اور بھی زیادہ. تھینک یو. اور فلم کون سی آنے والی ہے؟ ایک ابھی میں نے فلم لکھی ہے انجم شہزاد کے لیے, لکھی ہے. ہاں جی, وہ اب سیٹ پہ جائے گی. اچھا, یاسر ایز رائٹر, یاسر ایز این ایکٹر, یاسر باقی جو ہوسٹ پوسٹ, ایز اے کک, ایز اے شیف, وہ تو ہاتھ بھی نہیں جلاتا میں. لیکن آمنہ کا اور میرا ایک اور پروجیکٹ آ رہا ہے. آمنہ کا میرا ایک اور پروجیکٹ کون سا ہے؟ آئی ایم سو سوری. آمنہ کا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے میرے ساتھ, بلکہ میرا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے آمنہ کے ساتھ, اس کا نام ہے کالا بچھو. اس کے لیے بھی ہمیں بیسٹ آف لک, بیسٹ وشز, بیسٹ آف لک. تھینک یو. یہاں بھی آئیں گے دونوں. کھانا پکانے کی جو زبردست کچن, کون کس کو آپ زیادہ ریٹنگ جو ہے اور ووٹ دیں گے؟ جو لوگ زیادہ ووٹ کر رہے ہیں اب یاسر حسین کے لیے. زیادہ لوگ, تالیاں, جیت گیا بھائی, میں جیت گیا. اور جو لوگ ووٹ کر رہے ہیں آمنہ الیاس کے لیے, آمنہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ بناتے ہوئے. بالکل. اور نہیں, آمنہ نے واقعی اچھا بنایا تھا اور ہاتھ بھی جلایا تھا, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آمنہ بہت سگڑ ہے. سگڑ تو رشتوں کے لیے آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. یہ میرا کیمرہ. ہاں جی بالکل. نہیں, رشتوں کے لیے آپ مجھے شو سے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں آمنہ بس اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں ایک ہی کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے شادی. اپنی طرف سے لگا رہی ہے, ایسا کچھ نہیں. آمنہ نے مجھے کہا تھا کہ بہت جلدی یہ شادی کریں گے, بہت جلدی یہ شادی کریں گے. یاسر آپ ان کی بات پہ یقین کریں؟ نہیں نہیں, یاسر ہوسٹ ہے نا, ایسے پکا جھوٹ بولتے ہیں نا کہ بندے کو بھی یقین آ ہی جاتا ہے کہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. باقی ہوسٹ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہوسٹ بہت جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے بارے میں صحیح سنا ہے میں نے. میں تو اس طرح کا ہوسٹ ہوں ہی نہیں جو جھوٹ بولنا پڑا. ہمارے تو بڑے سیدھے سیدھے پروگرام ہیں, ہم نے کپڑے پہن لیے, ہم نے تعریف میں نے ہمیشہ سچی کی ہے سب کی. دیکھیں, آپ کا مجھے آملیٹ اچھا لگا, میں نے کہا یاسر کا آملیٹ اچھا ہے, لیکن چائے نہیں اچھی تھی. چائے نہیں اچھی تھی, نہیں, چائے میں نے پہلے ہی کہا تھا, مجھے چائے پینے کا بھی شوق نہیں ہے, بنانے کا بھی شوق نہیں. یہ بہت ہی بری تھی. ہاں, ہوگا, ہو سکتی ہے. بس کر دے, اتنی وہ بھی روک لیا آپ نے, کچھ زیادہ ہی بری. اچھا جی, چلیں, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری دونوں زبردست سٹارز میں سے انٹیلیجنٹ کون زیادہ ہے. دونوں انٹیلیجنٹ ہیں, ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں, مگر ابھی اس سیگمنٹ میں کون اپنی انٹیلیجنس کو اور اس کو یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ بجھارتیں آئیں گی. یہ کچھ بجھارتیں, پہیلیاں, پہیلیاں. ہاں, سو یہ جو ہے میں نے جان بوجھ کے لفظ یوز کیا ہے. ہم آپ کے سامنے کچھ یہ پہیلیاں دینے لگے, اور یہ پہیلیاں جو ہیں یہ کچھ محاورے ہیں. اچھا, آپ نے گیس کرنا ہے کہ کون سا محاورہ ہے. آپ یاسر ادھر آ جائیں گے, آپ آمنہ ادھر آ جائیں گی, ٹھیک ہے, ادھر, آپ یہاں اور یاسر یہاں. چلے جی, چلائیں پہلا. یہ کیا ہے, یہ کون سا محاورہ؟ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. میں نے پتا کیا حرکت کی ہے, میں بلڈنگ میں کھو گئی تھی, بلڈنگ ٹیڑھی کر دی. اچھا جی, اب دوسرا محاورہ, دوسرا محاورہ, بندر کیا جانے ادرک کا سواد. میں نے بھی بولا ہے یار, میں نے بھی بولا ہے. زبردستی اب آپ آمنہ کو تحفہ دے دیں میری طرف سے. نہیں, آپ نے بولا تو ہے, مگر وہ اس نے پہلے, جو پہلے انیشیٹو لے لے گا. سو دو ابھی تک میں نے ان کے, یہ آپ لوگوں نے نہیں بتانا ہے. چراغ تلے اندھیرا, چراغ تلے اندھیرا, لیکن آگے چلیں گے. اب ہم نیکسٹ کیا ہے جی, بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. یہ بھی آ گیا ہے اس پہ فٹ, مگر بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا, لیکن ایک ہم نے اور رکھا تھا, اس کا ایک اور محاورہ بھی اس کے اوپر فٹ آتا ہے. ہاں, سوچیں, دونوں سوچیں, ایک محاورہ بالکل اسی سچویشن کو رکھ کے سوچیں تو ایک اور محاورہ بھی ہے. محاورہ نہیں,
अच्छा चोर है नहीं ये नहीं शेर है अच्छा शेर रखा आपने इस पे नहीं मुहावरा ही था आपने ठीक गेस कर लिया अच्छा मैं अब आप एक और माइंड ट्विस्ट दे रही हूं कि एक शेर भी है जिसका पहला मिसरा इसके ऊपर भी सादिक आता है ये तुम ही कर सकते हो मैं तो बहुत जीरो हूं इसमें या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाजीचा है इत्तेफाक है दुनिया मेरे आगे होता है शब और रोज समाचार मेरे आगे मिर्ज़ा गालिब अभी तक विनर है यासिर कोई बात नहीं ठीक है अब आप जीत भी नहीं सकती कम रह गए हैं अच्छा जी नेक्स्ट सिचुएशन क्या है नेक्स्ट मुहावरा क्या है हरी हरी चूड़ियां एक मिनट कर आई डोंट नो ये है इल्म क्या है इल्म बहुत बड़ी ताकत नहीं 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 इन्होंने थोड़ा सा ना उसको गलत बनाया हुआ है मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं Forget about this thing. हाथ लिखे को हाथ लिखे क्या पढ़े लिखे को साथ लिखे क्या? नहीं 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 तो तुमने वहाँ से सुना था? आप बताएं मैंने मैंने बताया वो देख लो उधर किसने बोला? जो वो ब्लू स्टार वाली लड़की सिर्फ सच्ची है आप ऑडियंस से सुन ले आप ऑडियंस से सुन ले हाथ तुमने तो पूरा भी नहीं बताया मैंने सही बताया अच्छा आवाम का फैसला क्या है इन्होंने सही जवाब दिया चले जी एक दे दे पांच मैंने ठीक बस चले एक एक आमना ने पूछ दिया नेक्स्ट सिचुएशन क्या है भैंस के आगे बीन बजाना बीन बजाना बोल के जी यार ये मुझे आता था यार अच्छा जी इससे अगली सिचुएशन क्या है ये भैंस को भी आता था पर वो लेट हो गई थी गंजा 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 अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत मैं पता क्या कहने वाली नेक्स्ट नेक्स्ट मुहावरा क्या है नेक्स्ट क्या है अंधे को क्या चाहिए दो आंखें मुझे नहीं आता है आई एम बैड सही सो हम हां उन्होंने बूझ लिया है भाई उन्होंने बूझ लिया बता दिया नेक्स्ट सिचुएशन बता रही है मुझे नेक्स्ट मुहावरा क्या अच्छा आप लोग चीटिंग करवा रहे हैं आमना नहीं इसको मदद करने कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे ये तो एग्जैक्ट आ गया ये आज एक नई चीज पता चली है मैंने कहा आप लोग नकल करवा रहे हो उसको आमना कहते हैं नहीं नहीं इसको मदद करना कहते हैं तो आप सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के सहूलतकार हैं गुड नहीं नहीं ये नहीं करना है अच्छा नेक्स्ट कौन सा है मुहावरा मुझे नहीं आते भाई ये मैं नहीं खेल रही हूँ ये गेम आसमान खजूर बैठ का लो आओ अरे यासिर आ जाएं इस सेगमेंट के बाद किसको आप ये नहीं कहेंगे ये नहीं कहेंगे क्यों भाई मैं कौन 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 वोट दे यासिर के लिए और किन लोग कौन लोग वोट करने आमना के लिए आप सो जाएं अगर अभी भी आप आमना को जिता रही हैं तो भाई इसे कहते हैं डाई हार्ट फैन प्यार हां इसे कहते हैं सोच लो एक बंदी प्यार करती है तुमसे कोई एक वो हजार नहीं चाहिए मुझे एक ही चाहिए वाह वो हजार नहीं चाहिए जो वक्त और मौका देके बदल जाते हैं वो एक ही चाहिए जो 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 कुछ भी हो वो कहे बस यही भले मैं गलत हूं बेवकूफ हूं नालायक हूं लेकिन वो मुझसे प्यार आज आमना ने सारा सच बोल दिया अपने बारे में क्या बात अच्छा अब आप लोगों के पास हम आएंगे और ये हेडफोन्स आपको पहनाएंगे सही। और हेडफोन के साथ ये कुछ इसमें आप नहीं पहनेंगे यासिर आप नहीं पहनेंगे okay, okay. आप अमना पहनेंगे हेडफोन ठीक है और यासिर आप इधर आ जाए सामने हम यहाँ पे खड़े ये एक लफ्ज इसमें निकलेगा हेडफोन लगा लो इसमें म्यूजिक चल रहा है ये एक लफ्ज बोलेंगे और उस लफ्ज को आपने इनके होंठों की मूवमेंट से समझना है कि क्या करें सही मूवमेंट देना सही है चले जी कैंची चप्पल कैंची चप्पल लालची कैंची चप्पल ना कैंची चप्पल हेडफोन हाँ म्यूजिक तो बहुत लाउड है यार म्यूजिक तो फुल टाइम चल रहा है वो सब पहचाना गया था अच्छा फिर आपने पढ़ना ऐसे है कि पहचाना नहीं जाए पर्ची को तो छुपा के आमना स्मार्ट है बहुत शर्मीली लड़की वाह 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 फिरदौस फूफी नहीं हंसो नहीं फिरदौस फूफी यस बंदी तो कमाल है भाई हाँ गीला
नीला तोता गीला तौलिया गीला तौलिया बस बस आमना एक, बस एक दो है एक दो है आमना कुछ इसका ही लग गया जीतने का बीवी की फरमाइश बीवी की फरमाइश आई एम वेरी गुड एट इट सुन ले सीरियसली असल में मैं बहुत क्लियर होते हैं मेरे आपके क्लियर होते हैं चलो देखते हैं अब आमना आपने गुजारा भी क्लियर नहीं होंगे भाई आमना के सामने दूर से भी कोई चुगली ना करे मैं आई एम अ वेरी गुड लिप रीडर बाय द वे मैं पढ़ लेती हूं आमना को दूर से ही पता चल जाता है मैं पकड़ लेती हूं गाने चल मतलब बंदा गाने में महव तो हो जाए ना अभी गाने में भी महव होंगे लेकिन पहला लव्ज आमना ये हाथ रख के फटना है ताकि वो गैस ना कर सके उससे शरारती बच्चा यार सर हेडफोन ठीक लगा हुआ है ना कानों के ऊपर ही है ना कुछ हाँ हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आती सही से चलें नेक्स्ट दूसरा लव्स ये तो तू है ये तुम हो क्या बरसाती मेंढक बरसाती मेंढक ये क्या है नेक्स्ट वर्ड क्या है ये भी कुछ यही होंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है इतना शर्मा रही हो उनका नाम निकल आया क्या धोती शलवार धोती सूती शलवार धोती धोती शलवार भाई वाह वाह भाई वाह ये तो हमारे एक्टर्स बड़े बाकमाल हैं हैं अंडे का छिलका अंडे का छिलका अंडे का छिलका जोर से बोलो तो लाउड वर्ड समझ आएंगे अंडे का छिलका इतना नहीं ऊंचा बोलना म्यूजिक से ऊपर चला जाएगा मुझे नहीं ये बहुत मुश्किल है यार फाइट करके अंडा 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 का छिल छिल अंडे का छिलका मेरे वाले मुश्किल थे वैसे भाई मैंने जो वैक्सिंग अच्छा अब इसमें एक गाना चल रहा होगा हाँ. आप इस गाने को एक्ट करके सुन आप रहे हैं आपने एक्ट करके आमना को समझाना है कि आप क्या सुन आवाज में से बाहर आती है मैं हर दफा सोच के आ रही थोड़ा हल्का चलाइए हमें नहीं आ रही अब आपने जो गाना सुन रहे हैं उसको एक्ट करना परफॉर्म करना सो दैट वी अंडरस्टैंड आप क्या सुन रहे हैं आप क्या हमें समझाना चाह रहे हैं अंग्रेजी है ये तो मैंने भी नहीं सुना हुआ भाई चेंज कर यासिर गाना कोई और चेंज करो हां इंग्लिश कोई और मशहूर गाने लगाएं मशहूर गाने और कोशिश करें थोड़े फास्ट ट्रैक्स हो ताकि हम डांस स्टेप से बता दें ठीक है डांस स्टेप डांस वाले गाने जो है वो बताएं ठीक है कोई एक मशहूर गाना जो है वो लगा दो इस बंदे ने खुद नहीं सुना जिसने गाया है कौन सा है ये देखो ये गाना तुमने सुना प्ले करो ना ये तो मुझे कोई बात लग रही है अब पहने ठीक है ओके चलें अब परफॉर्म करें कोई आवाज नहीं आ रही आपके पास आके नहीं नहीं इधर तक नहीं आ रही कौन सा है फिर वो वाला देंगे तो बहुत स्लो ट्रैक चल रहा है ये वो कह रहा है वो अंग्रेजी चल रहा है ये उर्दू चल रहा है जो मर्जी आप चूज कर लें अभी तो गिटार है कैसे बताऊं अभी गिटार है म्यूजिक भी है ना उसका एक बीट भी है ये सारे वो गाने मैंने नहीं सुने तो कोई बात नहीं एक्ट कर दे इसको या क्या वो कह रहा है भाई तुम कोई फेमस है फ्लूट चल रही है अभी भी फ्लूट चल रही है कोई फेमस गाना लगाए ना क्या कह रहे हैं कैसे डीजे वाले बाबू प्ले कर रहा है ये अच्छा मैं मोबाइल की कलेक्शन लग रही है मैं एक्ट करती हूं और उसको बोले प्ले करें अच्छा आप करेंगी इधर आए ना सामने अभी सिर्फ फ्लूट चल रही है अभी सिर्फ फ्लूट चल रही है चलो हम ब्रेक लेते हैं फिर यहां पे जब तक हमारी टीम जो है वो लाइन अप करती है इसको हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात खुशामदीद आप मिल रहे हैं जनाब यासिर हुसैन से
तालियां। ये क्या बात, आमना ने इनको घेर लिया इस पूरे आमना के शहर में, जकड़े में। और आमना इलियास, आप दोनों को ये मौका दिया जाता है क्योंकि इस राउंड में आप दोनों बराबर थे, लेकिन आप अब एक छोटी सी एक स्पीच करेंगे जिसमें आप किस राउंड में हम बराबर थे? इस राउंड में मुहावरों वाले में। कहां बराबर थे भाई? सॉरी, लिप सिंक वाले में। हां, लिप सिंक वाले में आप दोनों ने एक जितना ही पूछा, लेकिन बाकी सारे पिछले गेम्स तो मैं जीती हूं। ओहो, मुहावरे वाले में एक बताया तुमने, वो भी गलत। मुहावरे वाले याद, पिछले वाले तो मैं जीती हूं। पराठा भी मेरा अच्छा था, पराठा भी मेरा अच्छा था, तुम्हारा नहीं मेरा अच्छा था। वो बजर वाला भी मैंने अच्छा खेला था। एक काम करते हैं ना, आपको मौका दिया जा रहा है, आप अपनी उम्मीदवार हैं आप, ठीक है, आप अपने हलके में जाकर अपने लोगों को एक इलेक्शन अपनी तकरीर दें और उनके वोट जीतने की कोशिश करें। आ जाएं। नहीं, मैं तो चाहूंगा जनाब। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, पहले 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 आमना जाए, मैं देखूं कि क्या तरीका क्या। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आमना जीते, और औरत को जीतना चाहिए हमेशा इस मुल्क में। मतलब आप अपने कागज जो कहा है कि औरतों को जीतना चाहिए, सिर्फ औरतों को नहीं, आदमियों को भी जीतना चाहिए। हाँ। बराबरी बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक, लेकिन अगर कोई अच्छा खेल रहा हो, अगर कोई अच्छा खेल रहा हो तो उसको जिताना चाहिए। बिल्कुल, नहीं, तो लूजिंग स्पीच दे दी है वहाँ पे, अब वो आपके लिए क्या, औरतों के हक में हथियार डाल दिए, औरतों के हक में। अच्छा ले लो। नहीं नहीं, अब तुमने बाकी कॉपी किए, मैंने क्या दिया। चलिए दे ही दिया तो ठीक है, तो दिया। इस इलेक्शन ये आपने इनकी सुनी है ना तकरीर, इसके बाद किसके लिए वोट है? यासर के लिए या आमना के लिए? लोगों ने औरतों को जिताया। या आमना के लिए? ओ, मेरे लिए ज्यादा वोट, बस ठीक है ना, बराबरी होनी चाहिए। अब आप जबरदस्ती, यासर के लिए, यासर के लिए वोट्स हैं, आमना के लिए? और ये कुछ कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक है, आपने खुद नहीं इनको देखना है, आप एक कार्ड उठाएंगे और अपने से ऊपर रख के दिखाएंगे आमना को, सो दैट ये जो दिखाएंगे आपको, आपने उसे अपने एक्शन से इन्हें समझाना है कि एक्चुअली निकला क्या है। ओके, ठीक है, इट्स ऑल उर्दू में है ना सब? अंग्रेजी उर्दू कुछ है? नहीं नहीं, उर्दू के नाम है सब, मिक्स मिक्स मेलोडी है। चलें ऊपर करें, दिखाएं उन्हें, इसके नीचे दो नुक्ते डाल लें। माशाल्लाह हमारे उर्दू लिखने वाले बड़े बाकमाल हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, हाँ, हो गया। आगे आगे नहीं लेने, अभी आपने बूझना है। अच्छा, आगे दो ना, अभी मुझे समझ। अच्छा मैं करता हूँ। हाँ। स्विमिंग पूल, ताड़ी लगाना, तैरना। और माशाल्लाह, मतलब तैराकी जिन्होंने लिखा है उनके लिए भी बहुत सारी तालियां। बोलना नहीं है जी, मार्च। पराठे पकाना, रोटी पकाना। मुंह बनाना। राइडिंग। पूछना। ओ यार, ये क्या लिखा है यार? ये उर्दू में उसे यही कहते हैं। जोर से भाई। प्लास्टिक में होता है। इसके बाद आमना के लिए कोई ट्यूशन का इंतजाम करो। ओ, अब ये तो कैसे मैं करूं? आप हेल्प कर दें। मैं करूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं कर दूं? कर नहीं, आप करो। मैं कुछ करना चाह रही थी। हाँ, करो, मैं करो, 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 करो। मैं आप ही कर दे यार। वो रस्सी पे चलना। गुड वन, गुड वन, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट। अब आप यहाँ बैठोगी और यासिर आप खड़े हो जाएं। आप आमना जी, जी मैं यहाँ आ जाए। अच्छा, यही यही आ जाए, यही आ जाए, आमना बल्कि यहाँ आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास कार्ड्स हैं, आप इसी तरह से अपने सर से ऊपर करके दिखाओगी और यासिर दी, यासिर हुसैन अपनी बाकमाल, अपनी बाकमाल एक्टिंग के जौहर दिखाएंगे और पता चलेगा कि वो कितना अच्छा आप बूझ सकती हैं उनको। चले जी, पहला, पहली हमारी बुझारत,
मेकअप करना मोटा आदमी चल रहा है ना। कबड्डी कबड्डी मैं पकड़ती है पंडित हम्टी डम्टी दिल है पीछे कबड्डी से रिलेटेड है हाँ रिलेटेड है कबड्डी पहलवान हाँ पहलवान कसाई हलवाई क्या तुम ये कर रहे हो और पीछे दिल बना रहे हो वो पीछे दिल बना रहे हो वो दिल नहीं बना रहा गरीब वो कुछ वो गरीब दिल नहीं बना रहा वो कुछ बना रहा है पीछे अच्छा एक मिनट पहलवान है हाँ मोटा है बड़ा है हाँ बहुत बड़ा है हाँ जायंट उसका एक नाम है जायंट उसका एक नाम है हाँ। नहीं आ रहा उसके लिए एक टर्म है हाँ थोड़ा गौर करके इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता उसके लिए यार तुम कुछ और करो ना इसमें मुझे नहीं समझ आ रहा यासिर ये सो देखो उसे पता ही नहीं था सोमो रेसलर अब मैं क्या उसे बताता सोमो रेसलर के यहाँ पे बो बंदा होता है ठीक है और वो बहुत मोटा होता है तुम तो यूं कर रहे थे दिल मैंने दो दफा बो बना के ऐसे भी किया इट्स लाइक अ दिल इट्स लाइक अ हार्ट दैट्स व्हाट यू वर मेकिंग हार्ट ये होता है गलत तुम गलत आपने परफॉर्म किया है अच्छा हां बस गलत और एक मिनट सोमो रेसलर पढ़ने के बाद आपने एक्सप्रेशन देखे थे उनके मेरी बात सुने मुझे बताइए कि जो बो होता है उसके वो उसके जो वो नीचे लटक रहे स्ट्रिंग्स वो ऊपर क्यों होते हैं अच्छा अच्छा एक मिनट वो तो नीचे होते हैं एक मिनट अच्छा स्ट्रिंग से तो तुमने पहचान ही लेना अच्छा, मैं ये कर देता हूं तो एक मिनट तुम्हें सोमो रेसलिंग का नहीं पता था मुझे पता है सोमो रेसलिंग आमना कैसे एक्ट आउट करेगी अच्छा किस मुल्क में होती है सोमो रेसलिंग मुझे पता है लेकिन सोमो रेसलिंग का जापान मैंने ऐसे भी किया था अच्छा आमना कैसे एक्ट आउट करेगी सोमो रेसलर मैं नहीं कर सकती नहीं ना उसको नहीं पता था ऐसी झूठ मुझे पता है सोमो रेसलर का ऐसी बात सुबह झूठ बोलते हैं ना अरे सोमो रेसलर आप कैसे एक्ट करोगी क्या एक्ट करके आपको समझाना है अगर मैं कुछ ऐसे ऐसे करती चाहिए ये टार्जन है ठीक है अब बैठ जाओ ये गोरिल्ला है अच्छा जी ये एक वर्ड रह गया है आमना और इस ये आप दिखाएंगे और इसको हम बुझेंगे शेविंग वेरी गुड सोमो रेसलर वाज टेरिबल आई एम सॉरी इधर आ जाएंगे सारे इधर बैठेंगे ठीक है और किधर गए मेरे वो सवाल अशफाक जो बहुत ही खतरनाक वाले क्वेश्चंस हैं मेरे पास नहीं है अच्छा ये बहुत खतरनाक क्वेश्चंस वाकई हाँ गोलियां तो नहीं चल रही चल भी सकती हैं सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मुझे गुस्सा बहुत आता है ये बात कीगा मैं उधर बैठ जाती हूँ आप बेफिक्र रहें कहीं तो मैं स्टूडियो से बैठ टॉक बैक पे हम बात करते हैं मैं आपके साथ ही बीच में बैठी आइए और हम सब मिल के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हमने ऑनेस्टली जवाब देना ठीक है उसमें कोई सवाल नंबर वन अपनी से बड़ी उम्र के किसी बंदे से प्यार किया नहीं इकट्ठे करना है सबने लड़की हूँ अपने से मैं भी लड़की हूँ बंदे से प्यार करूँ मैं भी लड़की हूँ अपने से बड़ी उम्र के बंदे से प्यार मुझसे था बैक वक्त दो लोगों प्यार हुआ है इकट्ठे उठाना है सबने बैक वक्त दो लोगों से प्यार हुआ है बंद कर दो अब प्लीज मेरे तीन से हुआ ना दो से तो सवाल में जाना लड़कों का दो लोगों से प्यार हुआ नहीं नहीं मत नहीं एक किस किस्म का प्यार किस किस्म का अच्छा और किस किस्म स्पेशल कर दोगी ना इस शो को किस किस किस्म का प्यार आई मीन एक से अभी भी मुझे एक वक्त में बहुत सारे लोगों से प्यार वो कौन सा गाना है और कौन सा लव होता है कभी नहीं हुआ प्यार तो प्यार माँ बाप से भी होता है दोस्तों से भी होता है आपसे भी है यासिर से भी है वो वाला प्यार सबसे गॉड इश्क वाला प्यार नहीं हुआ नहीं
इसलिए मैंने कहा था मुश्किल तो सबने उसमें सच्ची मोहब्बत मिली। लुक एट माई स्ट्रेट फेस। नहीं अच्छा स्ट्रेट फेस से झूठ बोलती है लड़की। वेरी गुड। कभी प्यार में किसी का दिल तोड़ा? कभी प्यार में किसी ने आपका दिल तोड़ा? ये कैसे हुआ? क्या मतलब भाई नहीं तोड़ा आप क्या? कभी किसी ने आपको डिच नहीं किया, हर्ट नहीं किया, कभी किसी ने आपको वो नहीं मैं किया? बहुत मुश्किल से हर्ट होता हूँ प्यार व्यार में। हाँ तो कमाल आपका है, कह सकते हैं कि किसी ने आपको हर्ट नहीं किया। वेरी गुड। अच्छा जी कभी अपने किसी फैन के साथ डेट की हो? प्लीज थोड़ी देर के लिए मिलने कहीं आपसे है ये सिर्फ आपसे, या आप भी बता सकते हो कभी अपोजिट जेंडर को छेड़ा हो? जैसे आप हुटिंग कर रहे होते हैं और आप इकट्ठे गैंग होते हैं तो आप छेड़ करते हैं लड़कियों को आपने अपने लड़कों को, लड़कों को आपने अपने लड़कियों को? कॉलेज लाइफ में अगर लड़कियां इकट्ठी होती थी और कोई लड़का हत्थे चढ़ जाता था यहाँ से तो उस गरीब का जो हशर होता था वो उन सबको याद होगा, इसलिए बहुत बुरा हाल होता था। अच्छा मोटर वे पे स्पीड लिमिट क्रॉस कर पकड़े गए हूँ और मैं जब पकड़ा गया था तो मैं इतना खुश था क्योंकि मेरी बहुत पुरानी गाड़ी थी, मुझे यकीन ही नहीं था कि ओवर स्पीड हो सकती है इसमें। तो आमना? नहीं मैं कभी नहीं पकड़ी। यू आर स्मार्ट ड्राइवर। आई एम अ गुड ड्राइवर लेकिन मैंने मोटर पे भी कभी गाड़ी नहीं चलाई। इसीलिए यू आर अ गुड ड्राइवर। अच्छा वेरी गुड। कभी किसी की खातिर, किसी जिससे आप प्यार करते हैं उसकी खातिर झूठ बोला हो घर वालों से, आप कुट खाई हो? इम्तिहान में फेल हुए हो? बीए में मैं फेल हो गया था। हाँ, तो फिर मैंने दोबारा पेपर्स नहीं दिया। मुझे लगा ये मिले हुए मुझे दोबारा फेल करेंगे। और मैं दो दफा फेल नहीं होना चाहता जिंदगी में। अच्छा किसी की मोहब्बत में तकिए में सर छुपा के रोए हूँ सारी रात? वो चलो उसको आयासे की तो मेरे समझ में आती है की आंखें सूजी हुई बालकनी में रख के आई हमने सोचने के लिए। नहीं आई मीन रोना आ गया होगा कभी लेकिन नहीं कि मैं सारी रात किसी के लिए तकिए। इस पे एक वो गजल है ना गुलाम अली साहब की, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो कभी बंदा रो ही पड़ता है यार। नहीं मुझे नहीं याद ऐसी कोई बातें मेरे बारे में, सॉरी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा इम्तिहान में नकल की हो? आपने नहीं की? मुझे मुझे हमेशा बेस्ट फ्रेंड की इम्तिहान में फील होती थी कि यार कमबख्त बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए इस मौके के लिए। अगर मेरा दोस्त मोहसिन मुझे देख रहा होगा वो शो, अगर वो मैथ्स का पेपर मुझे ना दिखाता तो मेरा तो मैट्रिक भी क्लियर नहीं था। मुझे पूरा पेपर दिखा दिया था। मुझे दोस्तों ने हेल्प बहुत की है, उन्होंने ही है लेकिन नकल नहीं करवाते थे। मैं नकल दोस्तों पे मैं कभी भी डिपेंडेंट रही नहीं नकल के लिए। मैं बहुत बड़ी पर्चीबाज हूँ। दोस्तों कभी भी धोखा दे सकते नहीं, आई थिंक पेपर्स में कभी भी अपने बराबर वाले पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मेरा एक सजेशन है आपको। आमना की आमना का होमवर्क कंप्लीट होता था जब उसको आके वो पेपर देते थे ना तो आमना अपने जेब से निकालती मेरे पास है सर। मेरी बहन जो है वो अब डॉक्टर है और वो यूके में सर्व कर रही है, वो इतनी पर्चीबाज होती थी कि उसने ना बूटियां बना के अपने पास रखी होती। अच्छा सुने हाँ अपनी बहन का नाम ऑफ बता दीजिएगा, हम उनके पास कभी नहीं जाएंगे मारो के। नहीं शी इज अ वेरी गुड डॉक्टर, अगर वो यूके में प्रैक्टिस करे तो शी इज अ वेरी गुड डॉक्टर। अच्छा उसने बना के रखी होती थी, एक दिन वो पेपर दे के आई, मैं बड़ी बहन थी मैंने चेक किया, मैंने कहा ये क्वेश्चन तो तुमने रात को याद किया था ना कि कौन सा वाला है, मैंने कहा ये वो वाला, ओहो ये तो मेरे जूते में था। ऐसे भी होता है। ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।
आज आपने सारे हमें यासिर के ही गाने सुनवाई जाने, आमना ने कुछ बिगाड़ा है आपका। इतना मेरा फेवरेट गाना है वो जो आमना का है, काला डोरी है ना, और उसमें आमना ने क्या गजब का परफॉर्म किया है। और अगर आप वो गाना ना चलाएं और हम आमना की परफॉर्मेंस ना देखें तो हमें मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हम ऐसे ही शो से चले गए? दिस इज नॉट ऑन। आप आमना का म्यूजिक प्ले करेंगे और आमना फिल्म ही चल रही है। हीरो काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो, छोटा देवरा पाबी न लड़े आइयो, ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ कुड़ कुड़ कर दिए, दौर नहीं जाना सच बुड़ बुड़ कर दिए, ओ हो मैं लाहौरिया तेरे ते अड़े आइयो, ओ तैनू ले जाना हाथ जै फड़े आइयो, ओ कुकड़ी हमेशा से आता था? नहीं कल सीखा। नहीं हाँ। फिल्म के लिए सीखा, हमेशा से आता था? नहीं आता है, हमेशा से आता है। जी वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा आप इसमें हंस क्यों रहे हैं? आप मासूमाना सवाल है। अच्छा चलें, अब हमने ये बॉक्स गेम आपके लिए रखी हुई है, हर डब्बे में कोई एक चीज है। अब आप लोगों ने भाग के जाना है, नंबर किस चीज के हैं, जितनी तेजी से आप लेकर आएंगे दिखाएंगे कैमरे को। अब आप लोग अच्छा शुरू करें हम। उसमें एक प्रॉप है, आपने वो कैमरे को दिखाना है और आपने उसको झूठ बोले या सच बोले आपने बताना है, दूसरे बंदे ने गेस करना है जो आप बता रही हैं वो सही है या आप उसको झूठ बता रहे हैं। कुछ मतलब मैंने इनको ब्लफ करना है? आप ब्लफ भी कर सकती हैं, आप सही भी बता सकते। और इन्होंने इन्होंने ये गेस करना है कि जो आप बता रही हैं वो सच है या वो झूठ है। ओके आगे समझ। लेट्स स्टार्ट। पहले आमना। अच्छा दोनों एक साथ नहीं? नहीं okay. पहले आमना। तो जल्दी भी क्यों जाना था? पहले आमना के लिए जाना था तो जल्दी क्या मसला था? चल मैं इकट्ठे भिजवाती हूँ ये जरा वाइन ग्लास पर थोड़ा आगे कर लो, स्लिप ना हो और फिर हम आगे। मॉर्निंग शो पे वाइन ग्लास नहीं हो सकता। झूठ आपने दिखाना नहीं है। अच्छा तो देखिए निकाल कर पहले कैमरे को दिखाना है। ओ कैमरा देखेगा और आपने ना पक्के मुंह से झूठ बोला। कोई और चीज डाल दी तो गलत हो गया ना। अब अगला बॉक्स, अब आप हार गए। उन्होंने आपका एक चलिए जल्दी से दूसरा बॉक्स आएगा और देखेंगे कि यासिर इस बॉक्स के साथ कैसे प्ले करते हैं, इसमें से क्या निकलता है। यासिर पहले कैमरे को दिखा दें क्योंकि वो आमना नहीं देख सक रही जो कुछ आप दिखा रहे हैं। सही, अब यासिर बताएं क्या है इसमें। विच की हैट। ये सही कह रहे हैं झूठ? अब तो मैं जीत रही हूं। हाँ अब दोनों बराबर हैं। जल्दी से दूसरा डब्बा लेकर आएंगे और दूसरे डब्बे में से देखेंगे कि हम क्या निकलेगा। जी आंखें उधर उधर, आंखें उधर, मुझे नजर ही नहीं आ रहा भाई। चलें जी यासिर ने बिल्कुल नहीं, इसको निकाल के ना यहाँ पे रख दो। हाँ बस, हाँ नजर आ रहा है, छोड़ दें यहाँ, छोड़ दें। अब बताएं क्या है। बॉल। बॉल हंसने वाली क्या बात। टेनिस बॉल। चलो क्लैरिफाई कर देते, टेनिस बॉल। यासिर भाग के लेकर आए और आमना को एक पॉइंट की सबकत हासिल है। सबकत का मतलब क्या होता है? एक नंबर आगे। सही, दो नंबर नहीं उठाए तुमने। हाँ जी क्या निकला यासिर? ऊंट। व्हाट नॉनसेंस। ये सही कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आपने बस ये बताना है। उन्होंने कहा ऊंट निकला। ऊंट का टॉय है या असली ऊंट है? ये गलत कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छी खासी लीड थी। अब एक बॉक्स और, आपने अपनी लीड को खुद गवाया है। अच्छा जी अब आपने एक बॉक्स उठा, आराम से हम कब उठाने लगी थी। हाँ ध्यान से। आ! यासिर आप भी एक बॉक्स जल्दी से उठा लें क्योंकि आखिरी आखिरी गेस्ट क्या है भाई इसमें बहुत।
अभी नहीं निकालना, अभी नहीं निकालना, अभी नहीं निकालना। चले जी आमना निकालें अपना, यासिर आप भी निकाल के मार दें। आमना बेचारी ने इतना भारी, ओहो हो, चले क्या है आमना इसमें, क्या है डंबल? सही है, सो यासिर क्या निकला आपके बॉक्स में से, कौन सा खा? देख लिया तुमने? नहीं देखा, देना करके रखा है। क्या निकला? आमना एक लवली टेडी बियर। सच कह रही हैं गलत कह रही हैं? नहीं, नो चीटिंग। बता दिया उन्होंने। नो चीटिंग। बहुत कसम से। नो चीटिंग। बता दी इन्होंने, जिन्होंने आपका पराठा खाया था ना, नमक खाया उन्होंने आपका। किसने बताया? ये लो ले लो ये लो। नहीं मैंने नहीं सुना था। वेरी गुड। आपने कहा हाँ? मैंने किया था। आज आप बताओ। एक बात साबित हुई कि मैं झूठ नहीं बोलता। I swear मैंने नहीं देखा था। मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। एक बात साबित हुई कि लड़कियां जो हैं वो लड़कियों को हमेशा फेवर करती हैं, सपोर्ट करती हैं। अच्छा आप बताएं जी किसके करेंगे, यासिर के लिए? और कौन वोट करेगा आमना के लिए? अब तो मैं जीत गया। क्लियरली ये चीटिंग है, मुझे नहीं बताया था। थैंक यू। ये एक शो था, ये एक गेम थी, लेकिन आप यकीन करें आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सब ऑलरेडी हमारा दिल जीते हुए। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट आपकी अपकमिंग फिल्म के लिए, आपके फिल्म प्रोजेक्ट्स के लिए। और हम भी चाहते हैं कि हम आपको दोबारा टीवी ड्रामास में देखें। वाकई में? हां सीरियसली प्लीज। हां ऑफ कोर्स वी मिस यू। डन इंशाल्लाह। आप हीरो होंगे साथ। जरूर जरूर। और मैं दूसरी औरत। पक्की बात। दूसरी औरत। कॉन्सेप्ट दे दिया तुमने। ड्रामा तैयार है, अब किसी भी वक्त हम इसको आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया यासिर, वंडरफुल हैविंग यू। यू आर अ माशाल्लाह ब्लेस्ड पर्सन विद सो मेनी टैलेंट्स। एक बंदा जो कमाल होस्टिंग करता है, जब होस्ट करता है तो लगता है इससे अच्छा होस्ट नहीं, तो लिखता है लगता है इससे अच्छा राइटर नहीं, एक्ट करता है लगता है इससे अच्छा एक्टर नहीं। सो दिस इज समथिंग यू आर ब्लेस्ड विद। थैंक यू। सो कांग्रेचुलेशंस आमना, ब्यूटी, ग्रेस, एलिगेंस और उसके साथ साथ आपकी एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स।